ये है सैमसंग का लेटेस्ट गैलेक्सी फिट 3, जो कि आपको 5000 के नीचे मिल जाता है। इंडियन मार्केट में अगर मैं बोलूं तो 5000 के नीचे बहुत सारे फिटनेस बैंड नहीं स्मार्ट वॉचेस है, जो कि बेसिकली फिटनेस बैंड ही होता है जिसको लोग स्मार्ट वॉच के नाम पे बेचते हैं। इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि कई बार इनका यूआई लैग करता है, यूआई इतना स्मूथ नहीं होता है, जो फिटनेस ट्रैकर होते हैं वो भी थोड़े एवरेज होते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल की बात करो तो वहां पे भी काफी जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ फीचर्स मिसिंग है जो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो देखते हैं कि क्या ये फिटनेस बैंड इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर मैं चैनल पे न्यू हो तो ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं गैजेट थेरेपी। तो इसका कोई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कुछ अलग नहीं है, मतलब वही नॉर्मल सा बॉक्स जो बाकी आता है। इस पे आपको एक घड़ी मिल जाती है जो कि 3 कलर में आती है। मेरे पास जो है ग्रे कलर है, एक सिल्वर है, एक पिंक गोल्ड कलर के आपको कलर मिल जाता है। और साथ में चार्जर आता है इसका, जो नॉर्मल वो कनेक्टर वाले चार्जर्स आते हैं। और इसका एक दूसरा एंड आपका क्या टाइप सी है, तो आपके किसी भी टाइप सी चार्जर के साथ कनेक्ट हो जाता है। और बाकी इसमें यूज़र मैनुअल्स जो नॉर्मल है वो मिलते हैं। अगर मैं घड़ी को पहले हाथ में लूँ तो यार बहुत ही सही फील होता है, बहुत ही बढ़िया फील होता है, एक प्रीमियम वाली फीलिंग आती है। तो 5000 के नीचे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हो, लेकिन यार इसको हाथ में लेके आपको एक प्रीमियमनेस फील होता है। काफ़ी स्लिक डिज़ाइन है, हल्का है, तो इसमें बहुत सारे इसके जो स्ट्रैप्स हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो मतलब आपका हाथ कितना भी छोटा बड़ा हो, मुझे लगता है आपके हाथ में आराम से ये आ जाना चाहिए। सैमसंग है तो इसका जो डिस्प्ले है वो है एमोलेड स्क्रीन। आपको पता है कि सैमसंग के डिस्प्ले काफ़ी अच्छे होते हैं। 1.6 का इसका एमोलेड स्क्रीन आता है। इसका बॉडी है एल्युमिनियम केस के साथ आता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। पीछे के साइड बात करो तो यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ये आपका चार्जिंग कनेक्टर है, यहाँ पे आपको एक होम बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको बैरोमीटर सेंसर मिल जाता है, और जो स्ट्रैप है सिलिकॉन स्ट्रैप है, अगेन इसको ओपन करना बहुत ही इजी है। ऐसे यहाँ से प्रेस कीजिए, यहाँ से निकल जाता है और प्रेस करके रखें यहाँ पे लग जाता है। तो आप ये सिलिकॉन स्ट्रैप चेंज कर सकते हो, आपको कोई अगर स्पोर्टी चाहिए तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मतलब काफ़ी ये सिंपल और एलिगेंट लगता है ये घड़ी। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे एडेप्टिव ब्राइटनेस मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। रेस टू वेक मिलता है जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है और यहाँ पे टैप टू वेक भी आपको मिलता है। और मुझे सबसे बेस्ट चीज़ इसकी क्या लगी कि सैमसंग उसको एक स्मार्ट वॉच की तरह नहीं बेच रहा है, उसको एक फिटनेस बैंड की तरह ही बोल के उसको बेच रहा है। तो डेफिनेटली इसके जो स्मार्ट वॉच के जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मिसिंग दिखेंगे। एक चीज़ है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा उसका जो बेजल है वो काफ़ी नोटिसेबल लगा है, मतलब बेजल्स थोड़े यहाँ पे दिखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ब्लैक थोड़ा सा वॉच फेस लगाया तो आपको नहीं नोटिस होएगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा व्हाइट कलर का लगाया तो यहाँ पे आपको नोटिस होगा। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है तो काफ़ी बढ़िया लगता है, बट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म ज़्यादा पसंद आता है कि सर्कुलर फॉर्म ज़्यादा पसंद आता है। इसमें आपको IP68 का वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है और 5 एटमॉस्फेयर का वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, मतलब आप उसको आराम से स्विमिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसके सेंसर्स की बात करो तो यहाँ पे इतने सारे सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर मिलता है, बैरोमीटर मिलता है, गायरो सेंसर मिलता है, आपको यहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, लाइट सेंसर मिलता है, उसका ब्लूटूथ 5.3 है। तो ये सब इसके हार्डवेयर फीचर्स है वो मैं बात कर रहा था यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया कि ये आपका एक फिटनेस बैंड एक स्मार्ट वॉच नहीं, तो आपको इसमें कॉलिंग फीचर नहीं मिलता है, मतलब आप इसको स्पीकर भी करनी है, हाँ कॉल आएगा वो आपको दिखेगा, यहाँ से आप इजीली कट कर सकते हो। और इसमें आपको GPS भी नहीं मिलता और NFC भी नहीं मिलता है, मतलब आपका यहाँ पे सैमसंग पे नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि फिटनेस बैंड है तो ऑब्वियसली इसका जो फिटनेस ट्रैकर है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो फिटनेस ट्रैकर्स की बात करने से पहले मैं इसके UI की बात करना चाहता हूँ। मुझे इसका UI काफ़ी पसंद आया है, बहुत ही स्मूथ UI है इसका, पता नहीं क्यों ऐसा टच करते ही वो एकदम सही तरीके से काम करता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको नोटिफिकेशन रहता है, राइट हैंड साइड में आपको टाइल मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपका जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे मिल जाता है, और भी कुछ अगर टाइल ऐड करने तो ये सब टाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और होम पे जाना तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, होम पे चले जाओगे, और अगर ऊपर की तरफ करता हूँ स्वाइप अप करता हूँ तो यहाँ पे आपको बाकी जो उसका मेन्यू है पूरा दिख जाता है। जैसे पहले आप हेल्थ है, मीडिया कंट्रोल है, फाइंड माई फोन है, वेदर है। अच्छा अगर आप देखोगे ना, अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, मैं इसको थोड़ा स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ कि इसका UI को कितना, इसका एनिमेशन देखो कितना मस्त एनिमेशन है। जैसे स्वाइप अप किया तो कितने सही तरीके से वो स्वाइप अप हो रहा है, तो मुझे इसका वो एनिमेशन भी UI का बहुत सही लगा है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको फॉल डिटेक्शन भी मिलता है, बट वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करो तो ये आपका ये फॉल डिटेक्शन, अगर आप नॉन सैमसंग यूज़ करो तो यहाँ पे फॉल डिटेक्शन नहीं काम करेगा। और इनफैक्ट कैमरा कंट्रोल भी जो दिया है वो भी नॉन सैमसंग के साथ काम नहीं करेगा। अब मैं इसके जाता हूँ फिटनेस ट्रैकर की बात करता हूँ, हेल्थ की बात करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे फिटनेस ट्रैकर मिल जाते हैं, मतलब स्लीप मोड मिल जाता है, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस रेट सब मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 100+ से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं।
यहाँ पे जो इसका हार्ट रेट है, ब्लड ऑक्सीजन है, ये सब भी ऑलमोस्ट काफ़ी एक्यूरेट है। मैंने यहाँ पे इसको गैलेक्सी वॉच 4 के साथ और एप्पल सीरीज 7 के साथ कंपेयर किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ट रेट तीनों में ऑलमोस्ट सेम बता रहा है। तो हार्ट रेट वगैरह तो काफ़ी एक्यूरेट है। तो यहाँ पे हम स्टेप्स की बात करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ये फिट 3 को और एप्पल के सीरीज 7 के साथ मैंने कंपेयर किया है, तो मुझे एक और चीज़ यहाँ पे क्या लगा, अच्छा लगा कि फिट 3 में यहाँ पे वो वॉच पे ही सब डिस्क्रिप्शन दे रहा है। देखो हार्ट रेट देखो दोनों में सिमिलर दिखा रहा है ये मेरा, तो यहाँ पे मुझे स्टेप्स 885 दिखा रहा है, बट यहाँ पे मुझे एप्पल में स्टेप्स नहीं दिखा रहा है। बट अगर डिस्टेंस देखो तो यहाँ पे मुझे फिट पे 0.67 दिखा रहा है, यहाँ पे 0.68 दिखा रहा है, मतलब काफ़ी सिमिलर है। सिर्फ मुझे एक ही प्रॉब्लम हुआ है कि एप्पल में कि जो स्टेप्स हैं वो मुझे इसके ऐप पे जाके देखना पड़ रहा है। तो अगर मैं इसके ऐप पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो स्टेप्स दिखा रहा है वो 9:15 दिखा रहा है, सुबह 8 to 9 का जो स्टेप्स था वो 9:15 दिखा रहा है, तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो मुझे इसका जो सेंसर्स है काफ़ी हद तक मुझे एक्यूरेट लगा है। और सबसे ऊपर से सबसे अच्छी चीज़ लगी कि मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन के लिए इसके ऐप में जाने की जरूरत, ऐप में जाओगे ऑब्वियसली आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसका ये ऐप है, ये ऐप में आपको यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरा दिखा रहा है, वर्कआउट डिटेल्स दिख रहा है, एवरेज स्पीड कितना कितना किलोमीटर कितना स्टेप्स है सब दिखा रहा है मुझे ये। फिर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे 208 mAh की बैटरी है, तो इसका जो बैटरी बैकअप है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अगर मैं सैमसंग की वेबसाइट की बात करूँ और विदाउट AOD यहाँ पे 13 डेज का वो बोलता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैंने जो यूज़ किया है, अगर मैं विद AOD भी बोलूँ तो मुझे यहाँ पे 3-4 दिन का बैकअप तो मिल ही रहा है, और विदाउट AOD आपको 5-6 दिन का तो मुझे लगता है बैकअप मिल जाएगा। और चार्जिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है, चार्जिंग स्पीड भी इसका अच्छा है, मेरे गैलेक्सी वॉच के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा जल्दी चार्ज हो रहा है। अच्छा, जो चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है जो मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ, जो तीन चीज़ें जो मेजर मुझे लगता है मिसिंग है जो कि स्मार्ट वॉच के कंपैरिजन में मैं बात करूंगा, तो वो है पहला तो GPS, दूसरा यहाँ पे मिसिंग है वो है इसका कॉलिंग फीचर, तीसरा यहाँ पे NFC मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि ये ऑब्वियसली सैमसंग ने जानबूझ के यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें दे देंगे तो आपके फिटनेस बैंड में और स्मार्ट वॉच में क्या डिफरेंस रह जाएगा। अच्छा, अभी मैं तीनों के बात करूँ तो जैसे GPS की बात करूँ तो आपको आपका फ़ोन कैरी करना पड़ेगा, और आज के डेट में मुझे लगता नहीं कि कोई भी है जो अपने बिना फ़ोन के आप कहीं जाते हो, स्पेशली वॉकिंग के लिए जॉगिंग के लिए भी जा रहे हो तो आप फ़ोन के साथ ही जाते हो। रही बात यहाँ पे कॉलिंग फीचर की, यहाँ पे आप कॉल देख सकते हो, कट कर सकते हो, उठा नहीं सकते हो क्योंकि स्पीकर नहीं है। अगेन जो भी स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं जिनके यहाँ पे कॉलिंग फीचर दिया है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि कितनी बार आप कॉल को अपने वॉच पे उठाते हो। तो NFC का हो सकता है किसी को लगे कि नहीं यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि अगर आप फिटनेस बैंड पूरा दिन यूज़ करो तो वहाँ से आप पेमेंट इजिली कर सकते हो, बट बाकी GPS और कॉलिंग का मुझे लगता है कि ज़्यादा इफेक्ट होना चाहिए आपके डिसीजन में। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो मुझे लगता है कि ये जो अभी इंडियन मार्केट में जो फिटनेस बैंड या फिर स्मार्ट वॉच जो भी अवेलेबल है उनके कंपेरिजन में मुझे काफ़ी बेटर लगा है। इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, प्रीमियमनेस है, स्लीक है, हल्का है, और इसके सारे फीचर्स देख सकते हो, फिटनेस जो फीचर्स है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे भी कोई कंप्लेंट नहीं है। 5,000 या उसके नीचे का अगर आपको कोई अच्छा फिटनेस बैंड चाहिए या फिर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। तो हमेशा की तरह उसका लिंक मैंने आप डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हो।